सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं जो है रिव्यू बना रहा हूँ अपने अपोलो अल्फा H1 टायर्स का, जिसको मैं 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मैंने जो है इधर दिखाता हूँ, पिछला मिडजिलर टायर था, मैंने 7,000 समथिंग किलोमीटर्स पे चेंज कराया था। और आप यहाँ देखो, अब ओडो पे 22,500 है, तो कुछ 15,000 किलोमीटर हो गया, इतना मैंने इस टायर को चला दिया है। सो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये टायर क्या कहते हैं, कॉर्नर्स पर कैसे चलता है, ऐसे टारमैक पर कैसे चलता है, एंड ऑफ रोड्स वगैरह पे भी, मतलब माइनर स्लैश में कैसा चलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ये जानने के लिए कि ये टायर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अभी ज़रा देखते हैं पीछे वाले टायर को। अब आते हैं पीछे वाले टायर पे। देखो पीछे लगा हुआ है 150/60 ZR17, यहाँ पे इसका टायर साइज लिखा हुआ है। सो इस टायर को भी मैंने भाई 15,000 किलोमीटर्स चला दिया, ऑब्वियसली दोनों आगे और पीछे के। और इधर की मैं बात करूँ, सो देखो 15,000 किलोमीटर के बाद भी ये टायर ने कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा फ्लैट सा हो गया, बट अभी तक ग्रूव्स वगैरह इतने गए नहीं है। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चला है ना, तो इस वजह से देखो यहाँ पे ट्रेड वेयर इंडिकेटर होता है। जब ये इसके बराबर आ जाता है, ये छोटा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो ये सरफेस बराबर हो गया, इसका मतलब ये टायर ने अपना बिल्कुल बत्ती बुझा चुका है, लाइफ इसकी चली गई है। कॉर्नर्स की बात करूँ तो मैं देखो यहाँ तक मैंने पूरा इसको, ये लिमिट होती है, सो इतना पूरा हिस्सा भी मैं इसको घिस चुका हूँ यहाँ पर। बाकी इस टायर की मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ अल्फा H1 की, तो ये जो है यार, मतलब रोड पे तो काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है ऐसे टारमैक वगैरह पे, बट डर्ट वगैरह की मैं बात अभी आगे चल के बताऊंगा। टायर जो है अभी तक मुझे काफ़ी सही लगा, मेरी एज सच को इससे बहुत बड़ी कंप्लेन नहीं है। मुझे टायर इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं इसको फिर से लगवाने की सोच रहा हूँ। और इस तरफ आएँ तो देखो, अब सरप्राइजिंगली अब आप ये सोचो कि लोगों का पीछे का टायर पहले घिसता है, मेरा आगे का टायर पहले ज़्यादा घिसा हुआ है। ऐसा इसलिए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ, कॉर्नरिंग मेरी काफ़ी हार्ड रहती है, तो इस वजह से ये देखो यहाँ पे ट्रेल ब्रेकिंग वगैरह करने से आगे के जो है बिल्कुल टायर्स ही बत्ती बजा चुका हूँ। सो 15,000 ये चल गया। बाकी इन दोनों टायर्स की स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो जो है आगे वाला इसमें जो है 110 लगा हुआ है, और ये 0° स्टील बेल्टेड रेडियल टायर है। होता है क्या है, ये देखो इसके अंदर ना एक स्टील की बेल्ट होती है जो ऐसे गोलाई में होती है, तो गोलाई में होने के वजह से जब आप ऐसे लीन लेते हो ना, तो ये पूरा कॉन्टैक्ट पैच ये बना रहता है ये। अब वो एग्जैक्टली साइंस है वो क्या है कैसे है, वो समझना, यहाँ पे समझना थोड़ा मेहनत का काम हो जाएगा, बट आप समझ जाओ कि इसकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बहुत सही है। बाकी यार सिलिका का इसमें यूज़ किया है अपोलो ने। अब यार देखो, नॉर्मल आदमी ये सब नहीं देखता कि कार्बन का है कि सिलिका का है, किस चीज़ का टायर है, नाइलॉन का है, बट जो भी है ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है ऐसे रोड्स पे, टारमैक वगैरह पे इन टायर की। उसके बाद हम इस रोड पे चलेंगे, पीछे वाली कर्व्स वाली रोड है जो कि आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है, वहाँ पे दिखाऊंगा और एक बार ऑफ रोड में चला के, और फिर बात करेंगे कि ये टायर कैसा है एक्चुअल में। एंड माइंड इट, 15,000 किलोमीटर चलने के बाद आप देखोगे ये टायर जो है कर्व्स पे कैसा चलता है लीनिंग वाली रोड पे। आप रोड पे चलते हो तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड और ऐसे बजरी पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, सो ऐसी जगहों पे दीज टायर्स आर शिट, एक लाइन में बोलूँगा बहुत बेकार टायर्स हैं इस मामले में। मतलब टारमैक वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ तब की बात कर रहा हूँ जब बजरी पत्थर और ऐसे ग्रेवल वाली रोड आ जाती है, लूज ग्रेवल, वहाँ पे तो ये टायर नहीं चलता ऑब्वियसली, बिकॉज एक सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, बहुत ज़्यादा मतलब रोड से चिपकता है। सो होता क्या है कि जब ग्रेवल वगैरह आता है ना, तो ये सारी बजरी भी अपने साथ चिपका लेता है, जिसकी वजह से ग्रिप नहीं मिलती इस टायर को। और यहाँ पे जब मैं आऊँ ऐसे लीन करते हुए, तो भाई साहब, तो जब मैं ऐसे लीन वगैरह करते हुए आऊँ, इस मामले में इसकी ग्रिप काफ़ी सही है। अब वो था यार बजरी पत्थर, ये रहा प्रॉपर स्मूथ टारमैक। तो टारमैक पे यार ये टायर्स यार गजब चलते हैं भाई साहब। 15,000 किलोमीटर हो गए, अभी भी यार सुपीरियर ग्रिप ऑफर हो रही है, मुझे कोई एज सच इशू नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो वाला फीडबैक नहीं है जो आना चाहिए, बट स्टिल आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स दीज टायर्स स्टिक टू द ग्राउंड परफेक्टली एज दिस शुड। तो अभी देखो कोई आ नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊँगा
ठीक है, और इस कार के जस्ट पहले जाके ऐसे मोड़ के ऐसे निकालूंगा और तो अभी भी ये टायर जो है काफ़ी सही परफॉर्म करता है, ऐसे भगाने में ग्रिप दे देता। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये फ्लैटन आउट हो गया है तो जिसके वजह से टायर में ना वॉबलीनेस आ गई है, बट जब तक आपका टायर नया है तब तक ये बहुत सही चलता है। और आगे एक कॉर्नर है जिसमें मैं ट्रेल ब्रेकिंग करके दिखाऊंगा इस टायर के साथ। तो गाइस देखो, अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा कॉर्नर है, अच्छा खासा शार्प है, कुछ ना कुछ तो होगा, 45-50 डिग्री से ज़्यादा का ही जो है शार्प टर्न है। और अभी यार मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जो है नया टायर होता तो जाता, बट स्टिल देखो मैं अभी भी स्पीड 70 की रखूँगा, ट्रेल ब्रेक करूँगा और अंदर आके मैं अभी भी पूरा जो है डीप कट ले सकता हूँ इसमें। सो दैट्स हाउ गुड दीज टायर्स आर। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग, तो वहाँ पे भी ये टायर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखो लास्ट मोमेंट पे अभी भी जो है एक लाइन में रुकती है मेरी बाइक, अभी भी जो है ट्रैक्शन लूज नहीं होता या फिर ऐसे वॉबलीनेस नहीं आती है। तो अब ज़रा चलते हैं यार वैसे वाले पैच पे जो कि है हमारा मिट्टी वाला पैच, दैट इज़ ऑफ रोड। अब देखो आ जाते हैं यार एक कच्चे रास्ते पे, देखो यहाँ पे ये जो है टायर की जो है परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो हाय 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 कुछ खास नहीं है ये। और ऐसी सड़कों पे ये टायर्स की बत्ती बुझ जाती है, मतलब ज़्यादा ग्रिप लेते नहीं है, आगे से पूरा मेरा हैंगे 12 की स्पीड में, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्पीड में आऊँगा तो गिरी जाऊँगा मैं, 10-12 की स्पीड तक में ये ग्रिप नहीं ले रहा। और ये टायर जब नया था तब भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं लेता था ऐसी सड़क पर, अब तो और नहीं ले रहा है, 15,000 के बाद तो बिल्कुल ही इसकी ग्रिप ख़त्म है। और इसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि आप ऐसे ड्रिफ्ट मारते हुए इससे पूरा स्लाइड करते हुए निकाल सकते हो, बट फ्रंट टायर में इतनी ग्रिप नहीं रहेगी, सो ये चीज़ करने नहीं वाली है। तो लूज़ देखो इसकी बात कर रहा था, ऐसे सरफेस में इस टायर में बिल्कुल ग्रिप नहीं आती है। अब ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं उसकी परफॉर्मेंस से कि मैं ग्रिप अच्छी बोलूँ। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज देखो ये है सॉफ्ट कंपाउंड टायर, ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं करता जितनी मड वगैरह है, ये उसको साथ में चिपका लेता अपने साथ। जो हमारे हार्ड कंपाउंड टायर्स होते हैं, नॉर्मल टायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डुअल स्पोर्ट टायर्स आते हैं नॉर्मल बाइक में, वो क्या करते हैं सिर्फ मिट्टी को उठा के फेंक देते हैं, बट ये इतना सॉफ्ट कंपाउंड है कि ये टायर वो चीज़ करता नहीं है। यार अभी मैंने आपको दिखा दी ये वाली टायर को जो है नॉर्मल सड़क पे चला के, ऐसे लीन वाली रोड पे टेढ़ा मेढ़ा चला के, पीछे मिट्टी में भी चला के। सो यार मैं इस टायर से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं ये आप सब जो है सोच रहे होगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इन अपोलो अल्फा H1 टायर्स पे मैंने बहुत ज़्यादा टूरिंग करी है, मैं इस टायर से जो है लखनऊ से मनाली गया हूँ, मुंशियारी उत्तराखंड गया हूँ, देहरादून गया हूँ और 5-6 स्टेट्स इन टायर ने कवर करे, मध्य प्रदेश भी गया हूँ। सो मैंने इस टायर से टूरिंग वगैरह भी करी है बहुत ज़्यादा, और ऐसे पीछे लीन वाली रोड जो आपने देखी थी वहाँ पर जो है लेटा लेटा के भी चलाया है, इन टायर्स पे मैंने व्हीली भी मारी है, सब कुछ करा है। सो इस टायर का रिव्यू मैं क्या दूंगा, देखो मैं ये कहूँगा 10,000 का मुझे सेट पड़ता है, ये उस टाइम पड़ा था, अभी जो है इस टाइम क्या रेट है ये चल के पता करना पड़ेगा। सो इन टायर्स का रिव्यू ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक के लिए कि मैं फिर से लगवाने जा रहा हूँ। सो अब आप समझ जाओ कि यार ये टायर कितना सही है, बस एक चीज़ है कि आपको जो है कच्ची सड़कों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।